नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। करनाल के शवगृह में हंगामा होता हुआ जरूर नजर आ रहा। एक महिला जो दो बच्चों की मां भी हैं, 30 साल के आसपास उनकी उम्र बताई जा रही है, चरणजीत संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगल लेती हैं और उनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो महिला के ससुराल पक्ष हैं और जो दूसरा मायका पक्ष है, दोनों ही शवगृह में पहुँचा हुआ है। और जो महिला हैं उनके चाचा यहाँ पर पहुँचे हैं और आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक से जो है महिला ऐसा कदम उठा लेती है। हालांकि ससुराल पर आरोप जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ बता दें कि जो महिला के पति हैं वो विदेश रहा करते थे, बाहर रहा करते थे। और बताया जा रहा है कि करनाल जिले की ही रिंडल गांव में महिला की शादी होती है। लगभग 14 साल बताया जा रहा है कि शादी को हो चुके हैं। ऐसे में अपने बच्चों के साथ महिला जो है रिंडल गांव में ही रहा करती थी और जो है वो अंबाला के गाँव की रहने वाली थी जब उनकी शादी होती है, जिसके बाद वो रिंडल गाँव में रहा करती थी। पति बताया जा रहा है कि बीच में आते जरूर थे, लेकिन फिलहाल जो है वो विदेश गए हुए, बाहर ही रहा करते थे, जिसके चलते जो परिवार का आरोप है, जो मायका पक्ष है ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया जाता है जा रहा है कि जो महिला है उनको तंग किया जा रहा था, किसी तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते महिला ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने पर जो है अस्पताल में उन्हें लेकर जरूर पहुंचे थे, लेकिन जब तक जो है डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब आपको बता दें कि महिला का नाम चरणजीत है और दो बच्चों की मां है। मृतिका के जो चाचे हैं उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि 14 साल पहले शादी हुई, उनके दो बच्चे हैं जिसमें एक लड़का है एक लड़की है और उसका पति काफ़ी समय से ही विदेश में रह रहा है। ऐसे में जो कुंजपुरा थाना के अंदर जो है आता है रिंडल गाँव, वहाँ के जाँच अधिकारी का कहना है कि वो मौके पर जो है पहुँच जाते हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम फिलहाल करवाया जा रहा है। तो ऐसे लगातार जो है मामले आत्महत्या के सामने आ रहे हैं। ऐसे में अपील यही करना चाहेंगे कि आप इस तरीके का कदम बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है और शायद जो है इस तरह से कदम उठाने से किसी भी समस्या का हल जो है वो नहीं निकल सकता। लेकिन अगर आप अपनी परेशानी दिक्कत जो अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ साझा करेंगे बताएंगे तो शायद उस परेशानी का जो हल है वो जरूर निकलेगा। एक बार महिला के चाचा यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है महिला के पिता नहीं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या आरोप जो है वो परिवार पर लगा रहे हैं। 18-17 साल हो गया, बच्चा भी है, दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। कभी बेटी ने कोई बात बताई? कोई बात नहीं करेगी, कभी नहीं। पति कहाँ था? पति बाहर था उसका, और पहले भी बाहर रह के आया, कोई बात नहीं आज तक ऐसी। कोई बाहर, इंडिया से बाहर या कहीं काम से बाहर? हाँ, इंडिया से बाहर। कभी कहाँ था छोकरा? कल आपको किस समय जानकारी आई है? कल 1:30 बजे आई है। 1:30 बजे? हाँ जी। तो क्या आपको कभी बेटी ने बताया? नहीं, कोई कारण से? कोई नहीं बताया, कभी कुछ नहीं बताया। नहीं, बच्ची कुछ ने बताया। आप कौन लगते हैं उनके? चाचा लगते हैं। क्या नाम था उनका लड़की का? लड़की चरणजीत। आपको कितने बजे सूचना मिली कल? 1:30 बजे। 1:30 बजे? हाँ। तो आपने क्या देखा जाकर? आपने कुछ नहीं देखा, ईमान तो मिली नहीं आया, वो तो यहाँ दाखिल कर दी ना लेके। अच्छा। मार को बोल दिया अभी हम घर आ जाओ और अभी वहाँ संस्कार करेंगे। हम घर पहुँच गए, यहाँ जी पूछा, वहाँ कोई बंदा बिंदा जो बैठा देगा तो वो भी छोड़ के बाद गया। इतने साल हो चुके हैं लड़की की शादी के? लगभग 21 साल? नहीं, 14-15 साल। 14-15 साल? तो कभी 15 सालों में उसने कोई बात कभी किसी बात से तंग किया? नहीं नहीं। बताया जा रहा है उनकी बेटी भी काफी बड़ी है? हाँ, बेटी अड़ी सारी है, काफी बड़ी, 13 साल की बेटी भी है उनकी। तो कभी कोई मांग कुछ ऐसा? नहीं। उस समय कौन मिला आपको? सूचना किसने दी थी? सूचना यहीं से फोन गया जी। अच्छा। जो मारी लड़की बट्टे में रिश्तेदारी थी इसकी। अच्छा। मारी उसकी ननदा लड़की की। अच्छा। और इसकी मतलब उस पर गया, मतलब जो गांव में आप ही की रिश्तेदारी में भी है उनके भी है। हाँ, उन्होंने मतलब बताया उनकी लड़की मारा, मारी लड़की निकल थी। अच्छा। और ससुराल से कौन है अभी उनके यहाँ पे? कौन सारे बैठे? क्या बोलते हैं आपको, क्या हुआ? कहते हैं अभी आपने आप खा लिया। अच्छा, अपने आप खा लिया। जी। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। क्या हादसा कैसे हुआ था पूरा? मानो कोई पता नहीं साहब, जो उठ नहीं मारना। मेरी बात सुनिए, आपकी लड़की का क्या नाम है? चरणजीत। चरणजीत, कब शादी हुई थी? 7 दिन हो गया जी, 14-15 साल। कहाँ पर शादी कर? रिंडल। रिंडल। हाँ जी। तो क्या हुआ था, कैसे उनकी मृत्यु हुई? मानो कोई पता नहीं कैसी हुई कैसी नहीं, कह रहे भी जहर खा लिया। बच्चे कहाँ है उसके? बच्चे वहीं का नहीं है इनके। तो बच्ची से कोई बात हुई है? बच्चे जैसे 13-14 साल की है। बच्चे मिलने दिए मेरे को, कहा भी स्कूल में गए थे बच्चे ने, बात हुई छोटे से मिलने दिए। अभी आपसे मिली आपकी? नहीं, आज नहीं। नहीं मिली? नहीं मिले जी। बच्चे ने क्या कहा भी, स्कूल में गए थे जी, मेरे को कोई पता नहीं। मैं पूछे बैठे तेरी झगड़ा क्या, तेरी मांगल क्या झगड़ा होया? उन्हें कहा भी मानो कोई पता नहीं, हम स्कूल में गए थे, कल छुट्टी दी जी, घर में बंद करके गेट में इन्होंने मर गए। आप प्रशासन से क्या अपील करते हैं? आप प्रशासन से यही अपील करते हैं मानो न्याय चाहिए। कितने बच्चे? दो बच्चे। कितने कितने साल के?
देखो जी, एक 8-9 साल की, 10 साल का हो गई लड़की? नहीं, लड़की 13-12-13 साल की, 12-13 साल की, बाकी लड़का 7-8 साल का है। कब हुआ, कब था, इन्होंने क्या बताया भी? काफी जहर खा लिया, कितने बजे, कब, किस? देखो मानो यो नहीं पता किस टाइम खाया, इन्होंने कुछ बताया नहीं? मानो कुछ नहीं बताया, मानो कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया कब खाया था ना? मानो हॉस्पिटल लेके गए थे? नहीं, लेके आए नहीं, लेके जी, मानो कोई पता नहीं अभी क्या होया क्या नहीं। पुलिस में आपने क्या कंप्लेंट? हमने कुछ नहीं, पुलिस में गए थे जी, और कह रहे मेडिकल होगा जी कल, उसके बाद जो होगा। हाँ जी, ये बात होगी। भौजी, आपकी आखिरी बात हुई थी लड़की से कुछ? नहीं आई, पता नहीं, पता होगा, मन तो पता नहीं, हम तो कराए अपने करा दिया। आपकी लड़की से कोई आखिरी बात हुई थी? नहीं, कोई बात नहीं, कभी झगड़ा झगड़ा तो नहीं? ना कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं था कुछ भी।